बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्यारा मुखड़ा छुपा ले घनश्याम, नजर तो ही लग जाए ना। प्यारा मुखड़ा छुपा ले खड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। लग जाए ना 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 तो ही लग जाए ना। काला टीका लगा ले मेरे शाम, नजर तो ही लग जाए ना। प्यारा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। प्यारा मुखड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। मोटे मोटे तेरे नैना काले काले, सावन की बदरी के जैसे केश तेरे घुंघराले। तीखे मोटे मोटे तेरे नैना काले काले, सावन की बदरी के जैसे केश तेरे घुंघराले। इन्हें माथे से हटा ले मेरे शाम, नजर तो ही लग जाए ना। खड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। सांवली सलोनी तेरी सुरतिया, मनमोहक है तेरी मूरतिया। मनमोहक है तेरी मूरतिया, तेरे जाल में सब फंस जाते, करता है तू ऐसी बतिया। काना तीखी तेरी मुस्कान, नजर तो ही लग जाए ना। प्यारा मुखड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। काला है मोहन तेरी कमली काली काली, काली हिरनी के जैसी है चाल तेरी मतवाली। तू काला है मोहन तेरी कमली काली काली, काली हिरनी के जैसी है चाल तेरी मतवाली। काली कर धन चढ़ा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। मुखड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। मोर मुकट माथे पर टीका, तेरे आगे सब कुछ फीका। तेरे आगे सब कुछ फीका। मोहित है संसार ये तुझ पर, तुझ पे अटका दिल है सभी का। तेरे चरणों में झुकता जहां, नजर तो ही लग जाए ना। खड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। प्यारा मुखड़ा छुपा ले घन श्याम, नजर तो ही लग जाए ना। प्यारा मुखड़ा छुपा ले।
लागे घनश्याम नजर तो ही लग जाए ना, प्यारा मुखड़ा छुपा ले घनश्याम नजर तो ही लग जाए ना। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन,
हाथ कड़ियां टूटी लोहे की सब लड़ियां टूटे ताले टूटी कड़ियां खुल गए खोला दी द्वार जन्म हुआ कान्हा का पापी बड़ा बहन बहनोई के पीछे पड़ा खेल में डाला किया पहरा कड़ा हर एक कदम पे सिपाही खड़ा शाम को लिटा जागी माँ तो देखा नसीब है जगे धज के वो संग ब्रज वासियों के लूटते मजे देते हैं बधाई जुग जुग जी सावर रे हो गए खुल गए खुल गए खुल गए खुल नंद बाबा के भंडार जन्म हुआ कान्हा का रतन नंद होके मगन कर बिहारी का भजन लखा छूम उठा संसार जन्म हुआ कान्हा का We'll be right back.
हर शहर वासी ने बस करके जो दिता है तो सिद्ध होता है कि फाजिलका बड़ा ही धार्मिक सिटी है जिथे भगवान की पूजा होती है लोग लोगों की कदर भी करते हैं। बहुत वधिया लग रहा जी, पहली बार निकली है जी, मैं देख रहा अगे तो मेरी जिंदगी वेखन नहीं मिली शायद कि उस तो पहला कि निकली हो गल आगे बहुत वधिया यात्रा जी। छोटे छोटे बच्चे अज कृष्ण भगवान जी का रूप धार के राधा राणी का रूप धार के शहर गुजर रहे हैं, सानू बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। राष्ट्रीय विचार मंच का असी बड़ा ही धन्यवाद करने जिहड़ा ने इस तरह का उपराला किया, अगे भी असी उम्मीद करते हैं भी करते रहेंगे। सानू स्वागत करन दा मौका मिले, असी छोटे छोटे कृष्ण भगवान जी का स्वागत कर रहे हैं रिद्धि सिद्धि गणेश वेलफेयर सोसायटी के मैंबर। नहीं जी नहीं, पहली बार फाइल का दे पहला उपराला हरेक मैंबर मैं धन्यवाद उन्होंने करना तो उन्होंने वधाई का पात्र मना भी यह उपराला कर जन्माष्टमी से छोटे छोटे बच्चों इन्ना मान सम्मान दे के कृष्ण भगवान का रूप धार दिता। मैं जो इस राष्ट्रीय विचार मंच का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहना और बधाई देना चाहना फाजिलका नगर वासियों जो श्री कृष्ण भगवान जी समझ लो फाजिलका की धरती के उत्ते आप स्वरूप के रूप आ गए हैं। लोगों ने दर्शन करने चाहिए ने, स्वागत करना चाहिए है और ऐसा उपराला राष्ट्रीय विचार मंच और बाकी संस्थाओं द्वारा भी होना चाहिए है जिंदे की है भी शाम के टाइम जो छोटे छोटे स्वरूप कृष्ण भगवान जी के लोगों ने दर्शन करने चाहिए ने तो उन्हें आशीर्वाद लेना चाहिए है। अच्छा है, लोगों की धार्मिक भावना बनेगी ये नाल और बद रही है और जगह जगह अज पांच एक किलोमीटर लंबा असी सारे पास अज फूलों नाल ही सुगंधित कर रहे हैं सारी यात्रा नू लंबी यात्रा से परमात्मा जब किसी भगवान सारे खुशियां ही लाई रखे फाजिलका तरक्की दे फाजिलका खुशहाली जाए। हाँ जी ये बहुत ही वधिया है, इन्हां लोगों की धार्मिक भावना उजागर होएगी धार्मिक का माहौल बनेगा तो एक बहुत वधिया प्रयास किया गया है। ना पहले नहीं देखी, बहुत वधिया बहुत ही वधिया लग रहा है, बहुत ही वधिया है और बड़ा वधिया माहौल है, धार्मिक वातावरण और सारिया संस्थावां योगदान दे रही है। दुष्यंत कुमार, बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया और हिंदुओं के लिए चाहिए, घर घर में कृष्ण भगवान की जरूरत है, जो गायों पर जो अत्याचार है जो भी महामारी हो रही है उसके लिए कृष्ण भगवान का जन्म लेना जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले कभी इतने नहीं हुआ जितना आज विशाल है और लोगों में प्रति उत्साह है लोगों में। संदेश यही है भी घर घर में जैसे कृष्ण भगवान को विराजमान करते हैं उसकी कदर करो और उसकी पूरी देखभाल करो, ऐसे नहीं भी फोटो रखने से नहीं बोलो भी उसको सुबह शाम याद भी रखो, बोलो कृष्ण भगवान की जय। सर कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध के असी विशाल शोभा यात्रा निकालीए तो तुसी देख रहे होगे मेरे पिछे जड़े काना दे स्वरूप बने ने, मेरे ख्याल लगभग 250 के करीब जड़े ने अलग अलग स्कूलों के बच्चे ने वो काना दा स्वरूप बन के आए ने, उन्दे तो अलावा समाज का हरेक वर्ग है शोभा यात्रा के शामिल है तो शहर के बाजारों के भव्य स्वागत है शोभा यात्रा का किया जा रहा है तो मैं ये लगता है भी फाजिलका के इतिहास के सब तो विशाल शोभा यात्रा है जिंदे इन्ने काना के स्वरूप शामिल होए ने जी। लगभग 1000 के करीब संख्या, लगभग संख्या जी तुम सारा नज़र भी आ रही है क्योंकि बहुत सारे चैनलों के लाइव भी चल रहा है तो तुम मेरे पिछे देख भी रहे होगे भी कि लंबी लाइन लगी, लगभग अद्धे पौने किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है जी।
मैसेज ये देना चाहवांगे जी, जिहड़े बच्चे ने जिन्हां दे विच आपां देखे अपने धर्म के प्रति संस्कार खत्म हो रहे सी, असी उन्हां संस्कारां नूं पुनर्जागृत करन वास्ते, असी इह नहीं कह सकते भी संस्कार खत्म हो चुके ने, जिहड़े संस्कार नूं दुबारा असी जगाउण वास्ते यात्रा निकालीए, तां इस तरह की यात्रावां असी चाहुंदे आ हनुमान जयंती दे ते अपने राम जयंती ते भी निकालिया जाणगियां जी। बहुत ही एक पहला तो सब तो पहला तो सारे शहर वासियों सब नू जन्माष्टमी की बधाई और मालक अगे यही असी कृष्ण भगवान अगे प्रार्थना करने हैं कि शहर सुख शांति आवे और साडा जिहड़ा भारत है पूरी तरक्की दे विच जावे। और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा, छोटे छोटे बच्चे जो स्वरूप बन के आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा। नहीं नहीं पहली बार बच्चों की यात्रा निकली शहर के, बहुत अच्छी है बच्ची। मैसेज तो साडा यही है जी, साडा जिन्ना भी हैगा लोगों को बड़ी श्रद्धा पूर्व नाल मनाना चाहिए उत्सव, ये साढ़े श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म उत्सव है और पूरी तरह खुशी के नाल मनाना चाहिए हर परिवार के। फाजिलका के इतिहास में यह पहली बार एक बड़ी अद्भुत अनोखी शोभा यात्रा अज असी देख रहे हैं। राष्ट्रवादी विचार मंच की तरफों अज नगर निवासियों के सहयोग के नाल अज ठाकुर जी के 200 स्वरूप चल के समाज के ठाकुर जी खुद दर्शन देने जा रहे हैं। साढ़े सारे साथी ये शोभा यात्रा नू लीड कर रहे हैं। मैं सारे फाजिलका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अज वृंदावन वाला माहौल असी फाजिलका की धरती से लैके आ गए हैं। ये अनोखी शोभा यात्रा फाजिलका के इतिहास में पहली बारी हो रही है। जन्माष्टमी तो कदे शोभा यात्रा नहीं निकली, ये पहली बार है फाजिलका इतिहास में कि इस तरह की शोभा यात्रा गड्डी जा रही है। हाँ जी, इस शोभा यात्रा में करीब 2000 के करीब लोग शामिल ने, तो सानू बड़ा गर्व है ठाकुर जी ने सेवा सानू बख्शी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वधिया, फाजिलका दे विच पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी ते जिहड़ी शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा इहनूं आपां कहांगे फाजिलका दे विच पहली बार, सारियां संस्थावां मिलके सहयोग कर रहियां ने, आज़ाद इन पैडलर क्लब वालों भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। थैंक यू। शशिकांत गुप्ता, अज दी यात्रा बहुत ही वधिया रही है, पंजाब लेवल ते बहुत अच्छी रही है। पंजाब दे अंदर पहली बार यात्रा हो रही है, सारी संस्थावां हिस्सा लै रही है, ऐसे 3000 लोग हिस्सा ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े सारा शहर हिस्सा ले रहा है, आजाद हिंद पैडल क्लब है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। मैं कहना जी आनंद आ गया जी, फाजिलका जी पहली बारी इस तरह की शोभा यात्रा निकली है, बहुत आनंद है जी, परमानंद आनंद जी। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपर मैं कहांगा हर साल चाहे कोई भी देवी देवता है हर साल इस तरह की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए है, ताकि हिंदू समाज इकट्ठा हो, फाजिलका वासी तरक्की करन, तो देश साडा जिहड़ा है ऊंचाइया ते पहुंचे, तो वापस दोबारा हिंदुस्तान जिहड़ा है वो विश्व गुरु बने। बोल कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम। ये यात्रा जी है बहुत ही एक इतिहासक यात्रा फाजिलका के इतिहास मैं कहना भी कही जाएगी, बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छा आयोजन राष्ट्रवादी विचार मंच ने जो किया है, और इस तो इंस्पायर होकर बहुत लोग अगे भगवान के नाल जुड़न गए और भी बहुत अगे तक जाएगा।
यह राष्ट्रवादी विचार मंच की बहुत अच्छी पहल है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। यह फंक्शन होर भी होने चाहिए ने। धन्यवाद। फाजिलका इतिहास पहली बारी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर से यह जी यात्रा निकली है। सारा फाजिलका भक्ति भाव रंगा है। राधे 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 की आवाज़ आ रही सब पासों। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही उल्लास है। सब ऐसे आयोजन होने चाहिए है ताकि अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा हो सके ते बच्चों सके सही संस्कार पहुंच सकन। धन्यवाद। भी बनती है, ये बहुत अच्छा, ये कार्यक्रम होना चाहिए हर साल। ये पहली बार भाग लिया है सभी बच्चों ने और बहुत खुश हैं सभी। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे खुश हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आज पहली बार ही हुआ है ये। हाँ जी, एक बहुत बड़ा उपराला हिंदू जागृति वास्ते जी। तो ये जो प्रोग्राम होंगे रहने चाहिए अपने पुराने करैक्टरा जो कि समाज भुलता जा रहा है उसनों याद रखने वास्ते बहुत जरूरी है। ये जो उपराले करते रहने चाहिए हर आंदे आंदे समय समय से। बहुत वधिया प्रोग्राम बनाया जी, बहुत सही उन्होंने किया, सही लाइन वास चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा प्रयास है जी, सवेरे मंदिर की यात्रा भी निकली सी, 10 ही बंदे सी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत मन खुश होया, भगवान साड़ी कमी है हिंदू समाज साडे जिहड़े उत्सव दे ना दिनों दिन घटते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी है जिहड़ी धर्म तो विमुख होंदी जा रही है, सिर्फ मोबाइलों च मस्त है, लेकिन सानू इहो जिहा प्रयास भी करने चाहिए ने। बहुत अच्छा प्रयास है ये। नहीं, बहुत वधिया। अज मेरे ख्याल तो हजारों की तादाद ने। अच्छा लग रहा है, युवा पीढ़ी बच्चों लैके फुलों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, जन्मदिन मनाया जा रहा है। शहर वासियों से यही संदेश है भी यहो जे प्रयास होंदे रहने चाहिए है और साड़ी युवा पीढ़ी नूं इस वास्ते अगे आना चाहिए। जन्माष्टमी एक भारत लैवल का त्यौहार है, इनू श्रद्धा पूर्वक मनाया जाना चाहिए। मैं जन्माष्टमी दी सारे शहर वासियों बहुत बहुत बधाई देना चाहना। यह जन्माष्टमी एक पर्व त्यौहार है भगवान कृष्ण का, ये बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा निकाली गई है। ये प्रयास मैं पहली बार देखा और मैं चाहवागा कि आने वाले
समय में इस तरह की युवा पीढ़ी आ गए इस और भी अगे वधाए ताकि आने वाले साडे बच्चों भी इस साडे धर्म बारे और साडे संसार बारे संस्कृति बारे पता चले। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत अच्छी यात्रा है जी साडी मायने समाज जी सारे दी सारे देवी देवतियां दा त्यौहार मनाया जाता कृष्ण भगवान जी का खास करके मनाया जाता पहली बार मनाया गया लख हजारां दी तादाद अपने लोग आ रहे ने सारे श्रद्धालु अपने नौजवानों ने सारा कोई प्रोग्राम किया बहुत अच्छा कर रहा साडे रोशन जी वर्मा साडे राजू जी सहगल आगू साडे टकराल जी सारे ने बहुत अच्छा प्रोग्राम मनाया साडे नाल बड़ी खुशी की गल है जी पहली बाती शोभा यात्रा निकली इन्नी तादाद के लोग सहयोग दे रहे हैं बहुत खुशी की गल है। अच्छा शोभा यात्रा जन्माष्टमी को लैके ग्यारहवीं की कढ़ी जा रही है निक्के बच्चों जिहड़ा कृष्ण जी भगवान जी का रूप दे के उस तरह की झाकी जिहड़ी गए ये कढ़ी जा रही है ग्यारहवीं की वख-वख शहरां वीर की बाजारां वीर की कढ़ी जा रही है एक हुण इधरों मेन बाजार तो होकर गौशाला रोड होकर सैकल बाजार नूं सर जाएगी ये जी काफ़ी यात्रा के चार पाँच सौ श्रद्धालु है बच्चे कुछ बच्चे है कोई लेडीज़ है कोई जेंट्स भी है साउंड सिस्टम भी है भजन बंदगी भी अगे पिछे जी कि हो रही है जी साढ़े वालों जो पूरा वधिया प्रबंध किया गया हर अगे भी सिक्योरिटी है साइडां ते भी सिक्योरिटी है पिछे भी सिक्योरिटी है पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध रख के जो आवाजाही भी ध्यान में रख के जरा कि यह शोभा यात्रा कटी जा रही है।
ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਕਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਲੇਨ ਪਾਣੀ ਔਰ ਲੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ।